कोई बिजनेस जॉब ना होते हुए ये करोड़ों रुपए की जो ये प्रॉपर्टीज हो रही है, ये संपत्ति हो रही है, कहाँ से आ रही है इनके पास? तो ये गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स है, जो जीएसटी और ये गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटीज, ये जो बचाया जा रहा है, तो ये चोरी की जा रही है एक किस्म की गवर्नमेंट के साथ में। तो तरह के अगर कहीं पे कोई इंसिडेंट होते हैं कि इनकम टैक्स बचाया जा रहा है, स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट की बचाई जा रही है, अगर आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते तो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी वसीम शेख मुझे शिकायत करें और आपकी सीक्रेट शिकायत को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा बिना कोई बिजनेस के। ना कोई जॉब है, ना तो सैलरी स्लिप है, ना इनकम टैक्स है, तो ये आईटी रिटर्न है, तो ये इतने सारे पैसे आ कहां से रहे? और मैं हूं वसीम शेख, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी। एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी को मुझे 29 दिसंबर को एक सीक्रेट कंप्लेंट मिली है, जिसे हम गोपनीय तकरार कहते हैं, यानी कि जो जिसको हाइड रखना पड़ता है। तो एक मुझे सीक्रेट कंप्लेन मिली है और वो कंप्लेन है सो एंड सो पर्सन की, जिसका मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता। एंड वो कंप्लेन है रिगार्डिंग इनकम टैक्स। कोई है, आज हम अक्सर देखते हैं काफ़ी लोग जो इनकम टैक्स को बचाते हैं, इनकम टैक्स भरते नहीं है, जीएसटी की चोरी करते हैं, इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, काफ़ी इस तरह की जो चोरी होती है, तो इस तरह की जो तकरार होती है, कंप्लेंट्स होती है, लोग किसी की कंप्लेंट करते नहीं है। लेकिन आज मुझे ये जो 29 दिसंबर को मुझे एक ऐसे ही सीक्रेट कंप्लेंट मिली है और उस कंप्लेंट को सीक्रेट ही रखा जाएगा। और इस सीक्रेट कंप्लेंट को मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड किया था और ये जो कंप्लेंट है ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स को ये रेफर की गई है कंप्लेंट ऑन डेटेड 30 दिसंबर 2021 को। और इमीडिएट इसमें एक्शन लिया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स की तरफ से और ये कंप्लेंट जो है फॉरवर्ड की गई है इमीडिएट एक्शन लेने के लिए, वो की गई है नेहा चौधरी, जो कि एडिशनल डायरेक्टर है ई सर्विसेज एंड इनकम टैक्स के, इनको दिल्ली में इनको फॉरवर्ड की गई है और जल्द से जल्द ये औरंगाबाद में आ जाएंगी ये कार्रवाई, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट कार्रवाई चल रही है। और कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्रवाई है ये है एक नॉन एप्लीकेंट है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन इनकी कंप्लेन ये है कि इनके पास में इलीगल काफ़ी प्रॉपर्टी है, ना तो इनका कोई बिजनेस है, ना तो इनका कोई जॉब है, ना तो ये आरटीआई पे करते हैं, ना इनके पास सैलरी स्लिप है, और ना सैलरी स्लिप ना कोई बिजनेस होते हुए आज करोड़ों रुपए के इन लोगों के बंगलोज बन रहे हैं और कुछ बंगलोज बन चुके हैं। और यहां तक इस कंप्लेंट में मेंशन यह है कि इसमें एक बंगले की बात नहीं है, इसमें दो बंगले की बात नहीं है, इसमें तीन बंगलों की बात नहीं हो रही है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 यहां पे 6 बंगलोज की कंप्लेंट यहां पे है कि इलीगल 6 बंगलोज बनाए गए हैं जिसका कोई इनकम टैक्स पे नहीं किया गया, किसी जीएसटी किसी गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा गया है, ना तो किसी कॉरपोरेशन से या किसी सरकारी दफ्तर से किसी गवर्नमेंट ऑफिस से इसकी परमिशन नहीं ली गई है, कोई स्टैम्प ड्यूटी इसमें पे नहीं किया गया है। तो आज ये 6 बंगलोज जो यहाँ पे बने हैं, तो इसका ये 6 बंगलोज का ये जो पैसा है ये कहाँ से आया, इनका बैंक बैलेंस की इंक्वायरी करनी चाहिए कि इनके पास ये बैंक का ट्रांजैक्शन कहाँ से हुआ, ये आरटीआई पे करते हैं या नहीं करते हैं। और जहाँ तक कंप्लेन के हिसाब से देखा जा रहा है एज पर इंस्ट्रक्शन कि इसमें कोई इनकम टैक्स पे नहीं किया जाता और जो नॉन एप्लीकेंट है उनके पास में कोई बिजनेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है। तो कोई बिजनेस जॉब ना होते हुए ये करोड़ों रुपये की जो ये प्रॉपर्टीज हो रही है, ये संपत्ति हो रही है, कहाँ से आ रही है इनके पास? तो ये गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स है, जो जीएसटी और ये गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटीज, ये जो बचाया जा रहा है, तो ये चोरी की जा रही है एक किस्म की गवर्नमेंट के साथ में। तो इसीलिए ये मुझे तकरार दी गई थी और ये सीक्रेट कंप्लेंट थी, इसको मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया था पीजी पोर्टल पर। ये फॉरवर्ड करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इमीडिएटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स ने इमीडिएट ऑन डेटेड 30 दिसंबर 2021 को नेहा चौधरी, जो कि एडिशनल डायरेक्टर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उनको फॉरवर्ड की गई है और वहां से जल्द कार्रवाई औरंगाबाद आएगी और ये जो नॉन एप्लीकेंट है इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो न्यूज़ पर आने का कंसल्ट ये है कि इसमें और भी यहां पे बताया गया है कि उनके साथ में उनके पास में और वन ब्रेजा कार एंड काफ़ी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, 6 बंगलोज एंड ऑल।
तो ये न्यूज़ के माध्यम से बताने का मतलब ये है कि इस तरह के अगर कहीं पे कोई इंसिडेंट होते हैं कि इनकम टैक्स बचाया जा रहा है, स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट की बचाई जा रही है, अगर आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते तो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी वसीम शेख मुझे शिकायत करें और आपकी सीक्रेट शिकायत को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से जल्द इन पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। ये जो मामला आपके पास आया है तो ये कितने करोड़ का हो सकता है? ये जो मामला है ये काफ़ी करोड़ों का। अब आप सोचिए कि आज एक 2000-3000 स्क्वायर फीट में एक एक बंगलोज बना हुआ है, तो ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, ये छः बंगलोज यहाँ पे बनाए गए हैं, तो ये करोड़ों रुपए का मामला है। तो और अगर किसी का कोई बिजनेस हो, कोई RTI पे करता हो तो बात और है, बिना कोई बिजनेस के ना कोई जॉब है, ना तो सैलरी स्लिप है, ना इनकम टैक्स है, तो ये IT रिटर्न है, तो ये इतने सारे पैसे आ कहाँ से रहे? और इसमें कंप्लेन में मेंशन भी किया गया है, जिस एप्लीकेंट ने ये 100% ने जो एप्लीकेशन दिया था मुझे, उसमें ये मेंशन किया गया है कि इनके पास में इनके जो फादर है, ग्रैंडफादर है, उनकी भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, और अगर है तो उस प्रॉपर्टी को भी अगर सेल किया गया है तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे किया गया है, और स्टैम्प ड्यूटी पे ना करते हुए जो करोड़ों रुपए के बंगले आज बनाए जा रहे हैं, इसका कहाँ रिकॉर्ड है? ना तो ये बैंक से ट्रांजैक्शन है, ना कोई चीज़ है। तो जल्द से जल्द ये जो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स, गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी और ये जो चोरी किया जा रहा है, इन पर जल्द से जल्द इनकम टैक्स की कार्रवाई की जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आगे बंद करके बैठा हुआ है? एक्चुअली क्या होता है ना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहाँ क्या चल रहा है, इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं होती है, तो ये जो है ये किसी के थ्रू से अगर ये कंप्लेन अगर उनके पास जाती है तो वो बिल्कुल कार्रवाई करते हैं। अभी जैसे जिस तरह से मुझे सीक्रेट कंप्लेन मिली है, इस कंप्लेन को सीक्रेट रखा जाएगा और ये जो नॉन एप्लीकेंट है इनकी इंक्वायरी की जाएगी, इनकी पूरी संपत्ति की इनके पास कहाँ से आई, कैसे आई, ये सारी इंक्वायरी की जाएगी और ये सारी इंक्वायरी मैं करवाऊँगा। Okay. Watch Aurangabad Updates News. Watch, like, subscribe, share. Hi, this is anchor MC Madhuri Sanchi और देखते रहिए Aurangabad Updates and subscribe जरूर कीजिएगा हमारा channel Aurangabad Updates. Thank you so much.